परिवारवाद किसी भी मुल्क की तरक्की में बाधक है, लेकिन यह देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग परिवारवाद को अपनी राजनीति का बड़ा तमगा समझते हैं। चाहे पीएम मोदी हो चाहे सीएम नीतीश कुमार, दोनों विकास पुरुष हैं और दोनों की राजनीति परिवारवाद से कोसों दूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 3 मार्च को महागठबंधन की बड़ी रैली राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुई, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के परिवार की ओर निशाना साधा और उनका इस बयान पर जमकर विवाद शुरू हो गया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने सवाल खड़े किए थे कि पीएम मोदी का परिवार क्यों नहीं है। उसके बाद तमाम भाजपा के नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पर अपना बायो बदला और मैं भी मोदी का परिवार लिखा। अब इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें वो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव पर जमकर हमलावर नजर आए हैं और परिवारवाद के मुद्दे पर उन्हें घेरते नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है प्रभाकर मिश्रा ने, पहले आप वो सुने। परिवारवाद किसी भी मुल्क की तरक्की में बाधक है, लेकिन यह देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग परिवारवाद को अपनी राजनीति का बड़ा तमगा समझते हैं। चाहे पीएम मोदी हो चाहे सीएम नीतीश कुमार, दोनों विकास पुरुष हैं और दोनों की राजनीति परिवारवाद से कोसों दूर है। दोनों परिवारवाद के घोर विरोधी हैं। लालू प्रसाद की राजनीति और उनकी सोच बंद कुएं की तरह है, वे अपने परिवार के आगे बढ़ ही नहीं सकते। इनकी राजनीति का एक ही मकसद है, अपने परिवार का हित साधना और भ्रष्टाचार के पैसे से अपनी तिजोरी भरना। पीएम मोदी ने लालू को अंधे कुएं से बाहर निकलकर नई सोच विकसित करने का पाठ पढ़ाया। पीएम मोदी ने बता दिया कि देश की समस्त जनता ही उनका परिवार है, वे अपने इसी परिवार के लिए जीते हैं, उसी की तरक्की और खुशहाली उनका मकसद है। वैसे लालू को ये बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे बेटियों के हित और उनके स्वार्थ तक ही अपनी राजनीति को सीमित रखा है। पीएम मोदी की उत्कृष्ट सोच की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। भाजपा के सभी लोग अपने को पीएम मोदी का परिवार बता रहे हैं। इससे अब लालू की आंखें खुल जानी चाहिए कि पीएम मोदी का परिवार क्या है और कितना बड़ा है। आपने सुना भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये लोग पीएम मोदी को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये लोग परिवार की राजनीति करते हैं। केवल इनके लिए इनके बेटे बेटी और पत्नी ही राजनीति होती है, ये लोग समाज के बारे में नहीं सोचते। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी हो या सीएम नीतीश, दोनों ही परिवार से काफी अलग है, परिवार की राजनीति से काफी दूर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। आपको बता दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर भाजपा लगातार हमलावर है। लालू यादव पर FIR भी दर्ज कराई गई है, क्योंकि उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, ऐसा भाजपा के तमाम नेताओं का कहना है। आपको बता दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सवाल खड़े किए थे पीएम मोदी के परिवार पर, पीएम मोदी के हिंदू होने पर, जिसके बाद से ये बवाल लगातार जारी है। भाजपा लगातार लालू यादव पर हमलावर है। परिवारवाद के मुद्दे पर तमाम नेता भाजपा के लालू यादव को घेरते नजर आ रहे हैं। सभी ने अपने सोशल मीडिया पर खुद को पीएम मोदी का परिवार भी बताया है, जिसके बाद अब भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने भी लालू यादव पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।